Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Study Station with PK sir. जैसा आपको मालूम है हमने 10th class का chapter number 2 start किया हुआ है polynomials. आज हम इसका second part करेंगे. इससे पहले first part, इससे पहले वाले videos में हम discuss कर चुके हैं, जिसमें हमने polynomials की definition को पढ़ा था और उसके various type को पढ़ा था, साथ ही Ncert book की exercise 2.1 को cover किया था. आज second part में हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे एनसीईआरटी बुक से. और उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो उससे पहले का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझिए. अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आई एम श्योर कि आप सभी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे तो भी आप उसको कर पाएंगे. तो चलिए करते हैं. तो सबसे पहले आपके पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल. जीरोज़ क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. मान लीजिए आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दी हुई है 2x प्लस 6. अब यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि इस एक्सप्रेशन के वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए. तो इसके लिए मैं इसको किसके इक्वल पुट कर लूँ, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए आप. तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के, और x किसके इक्वल हो जाएगा, -6/2. इट मींस कितना आ गया, -3. अगर मैं x की वैल्यू -3 के अंदर पुट कर दूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा. 2 × -3 + 6, इट मींस -6 + 6 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट x इक्वल टू -3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. तो -3 जो है इस दी गई एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी. आपको याद हो तो मैंने बताया था जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिस उसकी जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोज होगी. यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो इसकी एक जीरोज होगी, वो क्या होगी, -3. ऐसे ही अब हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में और पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एटमोस्ट कितनी जीरोज होंगी, 2, और क्यूबिक की एटमोस्ट कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरोज होंगी. तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. अब मान लो आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ax + b, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों, अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये कॉन्स्टेंट टर्म रह जाएगी b केवल, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो टर्म्स होनी चाहिए वेरिएबल्स वाली भी. तो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ax + b इज इक्वल टू 0, जैसा भी मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको. तो ax इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a. और यू कैन से माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, b क्या इसमें कॉन्स्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय में कोफिशियंट ऑफ x, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशियंट कहलाएगा. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो, मान लीजिए आपके पास कोई भी जर्नल फॉर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म क्या रह जाएगी, bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर कौन सी पॉलिनोमियल रह जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगी. तो आपने कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म ले ली ax² + bx + c, जिसमें a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, अल्फा और बीटा इसकी क्या है, जीरोज है. यानी कि एक्स को अगर मैं अल्फा में रिप्लेस कर दूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, और बीटा में रिप्लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स को बीटा में रिप्लेस करूंगा तो कितना आएगा, तब भी आंसर 0 हो जाएगा. तो इसके ये जीरोज होगी या इसके फैक्टर हो गए. अब कुछ बच्चे सोचते हैं अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ग्रीक वर्ड्स हैं, तो जैसे ABCD है ऐसे ये ग्रीक वर्ड है अल्फा और बीटा. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज. अब मान लो ax² + bx + c हमने लिया था जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं थी और अल्फा और बीटा इसके जीरोज थे, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a. और यू कैन से माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², जो x का कोफिशियंट है वो डिवाइडेड बाय में कोफिशियंट ऑफ x², और बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस का. अब इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी हो तो क्या आएगा, अल्फा इनटू बीटा, और वो किसके इक्वल आएगा,
सी बाय ए, सी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय में कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अल्फा बीटा निकालना कैसे है, तो आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने फैक्टर बनाने सीखे थे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, जो ये बी एक्स है इसको स्प्लिट करके आपने सीखे थे। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज आपने निकालनी सीख ली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मालूम हो गया। अब आपको अगर मान लो जीरोज दे रखी है और उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या मेथड यूज करेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय किसके इक्वल हो जाएगी, के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगी, जब आपको जीरोस दे रखी है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। के यहां पर क्या है, के इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या इसको जीरोज दे रखी है तब आपको दूसरे मेथड से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप, कि मान लो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान ली ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी, अब इसमें आप सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस बी बाई ए होती है, या फिर अल्फा और बीटा देखे तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे पहले हम, और फिर अल्फा इंटू में बीटा, क्यों, अल्फा और बीटा तो आपको गिवन होंगे तो इनका सम कर देंगे और इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के, ये किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी बी की और सी की, जो ए बी और सी की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। आगे मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कब, जब आपको उसकी जीरोज गिवन हो। तो अगर अब मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना हो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, वही जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही बात, अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये कौन सी पॉलिनोमियल रह जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विद अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा बीटा और गामा क्या होगी, इसकी जीरोज होगी। अब सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा इसके जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या यू कैन से माइनस बी बाय ए, और बी क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर कोफिशियंट, तो यू कैन से माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, और आपको इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, दो जीरोज एक समय में लेके उनकी प्रोडक्ट का मुझे सम निकालना हो, तो आपने ले लिया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाय ए, सी मीन्स क्या, यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। अब थर्ड वन आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अब इसमें डी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब अगर आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसके जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और उसके कॉफिशेंट्स के बीच में, तो ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे, इसके बेस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको मान लीजिए जीरोज दी गई हो, अब मान लो आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल की जीरोज दे दी अल्फा बीटा एंड गामा, और इससे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के इज एनी आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वेयर प्लस
alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha into x minus alpha beta gamma, where k is any non-zero real numbers. यहाँ पे इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, k into x cube minus sum of zeros into x square plus sum of product of zeros taking two at a time into x और minus में product of zeros. तो I hope आपको ये सभी अच्छे से clear हो गए होंगे. तो exercise start करने से पहले 2.2 इन सब formulas को आपको अच्छे से करना है. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे. तो आइए ध्यान से देखिए इसको. तो एक्सरसाइज 2.2 देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. तो आपको इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है और जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x square minus 2x minus 8. तो सबसे पहले तो आपको इसके क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तभी इसके जीरोस फाइंड आउट हो सकती है. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे. तो देखिए कैसे बनाएंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था. तो सबसे पहले x square वाली, फिर x वाली, फिर विदाउट x वाली. उसके बाद जो ये आपकी लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो. माइनस एट की आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी है तो आपको मिलेगा माइनस के एट एक्स स्क्वायर. अब जो मिडिल टर्म है माइनस के टू एक्स, इसको इस प्रकार स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस के एट एक्स स्क्वायर आए और ऐड करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस के टू एक्स मिलना चाहिए. तो सबसे पहली बात तो मल्टीप्लाई में नेगेटिव टर्म्स तभी आती है जब दोनों फैक्टर के डिफरेंट साइन हो. तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 4 2 8 बनेंगे, तो 4 और 2 बनेंगे सबसे पहले तो इसके फैक्टर. अब बात आती है कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो 2x है इसका कोफिशिएंट कैसा है. अब x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है. x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो जो हमारे पास टर्म्स बड़ी होती है उसके सामने जो साइन होता है जब हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो डिफरेंट साइन वाले हों, तो जो टर्म्स बड़ी होती है उसके सामने जो साइन होता है वही आता है. तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के 4x और प्लस में 2x लिखेंगे. क्यों, क्योंकि माइनस के 4x में से प्लस के 2x लेस करोगे तो मिलेगा माइनस के 2x और माइनस के 4x की माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको माइनस के 8x स्क्वायर. तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे. तो आप इसको कैसे लिखेंगे फिर, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट. तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट. अब यहां से देखिए इन दोनों में से कौन फैक्टर कॉमन आ रहा है, इनमें से एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में से. तो एक्स स्क्वेयर में से एक्स बाहर लोगे तो बाहर अंदर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस में, यहां से क्या बचेगा, फोर प्लस. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2. यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस में 4. आपके फैक्टर ठीक बने या गलत बने हैं वो डिसाइड करता है ये वाली जो ब्रैकेट है ये सेम आनी चाहिए. यहां पे x माइनस 4 है तो ये भी x माइनस 4 आनी चाहिए. अगर x माइनस 4 नहीं आई तो इट मींस कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की हुई है. दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लिया तो वो क्या करते हैं, खाली ऐसे 2 कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं और इस तरह ये x माइनस में 4 ही लिख देते हैं वो, और फिर कहते हैं ये सर हमारा ठीक है. और रीज़न क्या बताते हैं कि हमने पढ़ा है कि भाई अगर किसी टर्म्स के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होती है, वो ठीक है. बट अभी तो यहाँ पर ये किसमें, मल्टीप्लाई में है, या प्लस का 2 तो है लेकिन ये पूरी की पूरी एक ही टर्म्स हुई, सिंगल टर्म्स हुई, और टर्म्स को अलग करने के लिए हम किसका साइन यूज करते हैं, प्लस का या माइनस का. इसलिए इनके बीच में कौन सा साइन आना था, ये जो यहाँ से कॉमनली हमने किसका आया, प्लस के 2. अगर आपने ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत है ये आपका, क्लियर. अब इसके बाद ये आपके फैक्टर बन गए थे, क्या आए थे, x इंटू में x माइनस में 4 प्लस में 2 इंटू में x माइनस में 4. अब इनमें से कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, x माइनस में 4. इधर से क्या बच जाएगा, x, और इधर से क्या बच जाएगा, 2. तो x प्लस 2, तो क्या फैक्टर हो गए इसके, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2.
अब इनके जीरोज निकालने हैं तो इनको किसके इक्वल रखेंगे, जीरोज, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो अब देखिए इसमें आगे ये इसके फैक्टर बन गए। अब इसके जीरोज निकालनी है तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस फोर जीरो के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, फोर, क्योंकि ये माइनस का फोर उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रखोगे, इधर टू पॉजिटिव है उधर जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू। तो इसकी जीरोज क्या होगी, प्लस के फोर और माइनस के टू होगी। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी इसकी, अब अल्फा प्लस बीटा होती है तो आपके पास जीरोज क्या आ गई, हमारे पास एक तो फोर आई और दूसरी माइनस टू। तो सम ऑफ जीरोज फोर प्लस माइनस टू, अब प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का। कभी भी डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा माइनस का साइन आता है, और सेम साइन की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस के टू, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो क्या बचेगा, टू। तो हमारे पास क्या बच गया, टू। और दूसरा हमने सम ऑफ जीरोस पढ़ा था, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपोन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर, और यू कैन से माइनस बी अपोन में ए। अब अपने पास जो पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन के जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो सम ऑफ ऑल्सो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे b की वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे, तो x के का कोफिशियंट a और इधर x के का कोफिशियंट क्या, 1। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1, और b की माइनस टू और c की माइनस एट। तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस टू अपॉन a कितना, 1। तो कितना बच गया, 2 आ गया। तो ये भी 2 आया, सम ऑफ जीरोज भी 2, और इससे भी कोफिशियंट से भी क्या आ गई, 2 आ गई। दोनों इक्वल आ गए तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल होंगी, ये रिलेशन इसमें फाइंड आउट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अपने पास एक जीरोज थी 4, दूसरी है माइनस टू, 4 इंटू माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 8। तो ये आ गया अपना माइनस के 8। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने पढ़ी है, सी बाय ए। सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है इसकी, माइनस एट। तो माइनस एट अपॉन ए कितना है, 1। तो माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस एट इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी बचे हुए पार्ट सभी इसको आपको ऐसे ही कर रहे हैं, इनको हम थोड़ा क्विकली देख लेते हैं ताकि आप भी कुछ थोड़ा खुद से भी ट्राई करना। अब अपने पास सेकंड पार्ट आता है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4s स्क्वायर आना चाहिए। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, 1 को 4s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4s स्क्वायर। तो माइनस के 4s को आपको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4s स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस के 4s आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का साइन आएगा। मैंने आपको बताया भी था, सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और डिफरेंट साइन की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस 2s माइनस में 2s, और बाकी ये फॉर्मूला भी बन रहा है, या आप ऐसे फैक्टर भी बना सकते हैं। तो आई होप आप इसको खुद से कर लेंगे। और s की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 1/2, और 1/2 सेम वैसे ही करना जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन समझाया आपको, सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2 और कोफिशिएंट से। तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है अपने पास, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो मैंने कहा था फैक्टर बनाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जर्नल फॉर्म के जैसे लिखना पड़ेगा, यानी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले एक्स स्केयर वाली टर्म लिख दी, फिर एक्स वाली आएगी माइनस के 7x, फिर माइनस 3, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। तो माइनस 3 की 6x स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 18x स्केयर। अब मिडिल टर्म कितनी है, माइनस के 7x। तो अब 7x को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 18x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस के 7x। तो नेगेटिव टर्म सही है, तो इसका मतलब एक प्लस का साइन आएगा और एक माइनस का साइन आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला साइन क्या होगा, बड़ा होगा। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, माइनस के 9x और प्लस के 2x, क्योंकि 9 2 कितना होता है 18, और 9 में से 2 लेस करोगे तो कितना आएगा,
माइनस के 7, क्योंकि 9 के सामने वाली 9 बड़ी टर्म्स है और उसके सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव का। आगे फिर तुम्हें आता ही है, उसके अब फैक्टर बनने के बाद जो कॉमन है कॉमन लेके यहाँ से फिर आपकी x की वैल्यू हो जाएगी -1/3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3/2। फिर से वही सम ऑफ जीरोस जो आपकी आई -1/3 और प्लस में 3/2। ये मैं आपको चलो बता देता हूँ, 1/3 माइनस के 1/3 प्लस में 3/2। अब इसमें क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, और एलसीएम कितना आएगा, अब देखो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 2 6। अब जो ये आपके पास आएगा 2 की इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर इसमें -1 तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 प्लस। अब 6 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो कितना आएगा 2 3 6, तो 3 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 9। अब 9 में से 2 लेस करोगे तो क्या आएगा प्लस के 7 और 7/6, तो ये कितना आ गया 7/6 या फिर माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स के। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, -1/3 × 3/2 तो ऊपर वाली टर्म्स ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, -1 × 3 कितना होगा -3 और 3 2 6, और कांस्टेंट टर्म क्या थी इसकी डिवाइडेड बाय में कोफिशियंट ऑफ एक्स केयर, कॉन्स्टेंट टर्म थी -3 और कोफिशियंट ऑफ एक्स केयर कितना था 6, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब ये फोर्थ पार्ट और देख लीजिए आप, 4u² + 8u, तो अगर आप चाहो तो इसको 4u² + 8u + 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मिसिंग टर्म कौन से है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 0, क्योंकि किसी भी टर्म में अगर आप 0 का ऐड करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही टर्म्स रहती है। अब इसके फैक्टर तो बिल्कुल ईजी है निकालना, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट 4u कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, u + 2 बच जाएगा। 4u = 0 तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और u + 2 = 0 तो u कितना आ जाएगा, -2, तो इसके दो फैक्टर हो गए 0 और -2। फिर आपको आता ही आगे तो सम ऑफ जीरोज, 0 + -2 - 2 और माइनस कोफिशियंट ऑफ यू अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्केयर, तो माइनस के 8/4, आंसर कितना आएगा -2, और प्रोडक्ट ऑफ 0 0 × -2 कितना आएगा 0, और क्या था कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ यू स्केयर, अभी मैंने बताया था इसके साथ में मैं क्या ऐड क्या लिख दूंगा, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस में 0, तो 0/4 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि 0/anything = 0 होता है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, ये भी इजी है। अब इसमें कौन मिसिंग है, टी वाली टर्म, t² - 15 तो है लेकिन टी मिसिंग है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t² + 0t - 15, ये तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि मिसिंग टी वाली है, तो 0 × t 0 ही रहेगा। अब इसके फैक्टर भी इजीली बने हुए हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, √15 का स्केयर लिख दीजिए, क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 रह जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला लगा देंगे हम a² - b² का, जो होता है a - b × a + b, तो a - b यानी t - √15, क्योंकि a की वैल्यू t है और b की वैल्यू √15 है, इंटू में t + √15, a कितना t और b कितना है √15। अब दो जीरोज आ जाएंगी इसकी, एक तो आ जाएगी t = √15 और दूसरी क्या आ जाएगी, t = -k√15, तो ये दोनों जो वैल्यू है आपकी आ जाएंगी t की। उसके बाद फिर से हम वही निकालें, तो सम ऑफ जीरोज √15 + -√15, तो √15 - √15 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0, और माइनस कोफिशियंट ऑफ t का कोफिशियंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, t² + 0t - 15, तो 0/anything = 0 ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो √15 × -√15 कितना आएगा -15, और कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर तो कितना आ जाएगा -15, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कितने हैं -15 और कॉफिशियंट ऑफ टी स्केयर कितना है 1, यहाँ पे टी स्केयर लिख देना आप एक्स स्केयर की जगह। अब सिक्स्थ पार्ट देख लो, इसमें क्या है, 3x² - x - 4, तो 4 3 12, माइनस के 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो -x, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको करेंगे, -x को
किस प्रकार स्प्लिट करना, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12x² और ऐड करें तो माइनस के x, तो क्या आएंगे फैक्टर, 4 3 12, माइनस के 4x और प्लस के 3x आ जाएंगे। आगे फिर तुम कर ही सकते हो, तो 0 आ जाएगी 4/3 और माइनस 1 इसकी। फिर ऐसे हम इसकी सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देंगे, तो सम ऑफ जीरोज में 4/3 प्लस माइनस 1 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और एलसीएम आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 1 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऑल्सो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर भी होता है सम ऑफ जीरोज, तो माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 4/3, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म कितने थे इसकी माइनस 4 अपॉन 3, तो कितना आएगा माइनस 4/3, ये इसका रिलेशन हो गया। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसका। अब सेकंड क्वेश्चन हमें रिवर्स दिया हुआ है, इसमें हमें जीरोज दे रखी है, पॉलिनोमियल निकालनी है। इससे पहले वाले में पॉलिनोमियल दे रखी थी, जीरो फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी हैं, आपको क्या निकालनी है इसकी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो एक मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी हुई हो तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इक्वेशन फाइंड आउट करने का, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज प्लस में पी और बाहर क्या आएगा इंटू में k, k इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है माइनस 1, तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज 1/4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कितना आ गया ये माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू आप क्या रख लो, जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, तो k की वैल्यू 4 लिखेंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 4x² और माइनस में 1 इंटू में x यानी कि x और माइनस में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। तो एक मेथड तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से, और दूसरा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए सेकंड मेथड क्या था, आप इससे भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इस जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मान ली और इसकी जीरोज ले ली अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1/4, या इसको माइनस by a भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस 1 यानी माइनस 4 अपॉन में 4 किसके बाद c by a भी लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो यहाँ पे जो इसने c by a लिखा है इसको समझने की बात है, ये कैसे लिखा है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आया माइनस 1 है, ये दिए हुए है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं c by a इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस b by a कितना आपके पास 1/4। तो इस मेथड से करने के लिए मैंने बोला था कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इसके हिसाब से डिनोमिनेटर है 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है जिसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 है यहाँ पे, तो इसको भी क्या बनाना है 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मुझे वापस से वही टर्म मिल जाएगी, तो माइनस 1 की 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस के 4 अपॉन में 1 की 4 से करोगे 4, तो अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, माइनस बी बाई ए का भी और सी बाई ए का भी। अब इनको कंपेयर करो, अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 4 मिल जाएगी, इधर से a भी 4 क्योंकि इधर से भी a 4, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 क्योंकि माइनस बी इज इक्वल टू 1 तो बी इज इक्वल टू माइनस 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस 4। अब a की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4, b की माइनस 1 और c की माइनस 4। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसके अंदर, जो आपकी ये इक्वेशन थे, तो a की वैल्यू आपकी जो निकली थी वो पुट कर दें, कितनी आई थी 4, b की माइनस 1 और c की माइनस 4, तो आपकी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे पहले वाले से डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो ऐसे ही आप ये इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, सेम है, इसमें सम ऑफ जीरोज रूट 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 दी हुई है, तो वही अगर ये मान के फिर अल्फा इन प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, फिर कंपेयर दोनों का डिनोमीटर सेम करना है, और डिनोमीटर सेम करने के बाद कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे,
या फिर जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा है के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो इस मैंने पहले स्लाइड्स में ये करवाया था, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट हो सकती है। तो क्लियर, तो जैसा आपको ठीक लगे ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन सभी करने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन में इसमें सम ऑफ जीरो जीरो हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रूट फाइव हो गया। तो इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं। अभी मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। ऐसे ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका, ऐसे आप फिफ्थ पार्ट भी कर सकते हैं, माइनस वन बाई फोर और वन बाई फोर है, सेम एडिट हो, कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट है इसका। तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाएंगे। तो 2.2 एक्सरसाइज अपनी जो है कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ स्टडी स्टेशन विद पी के सर के नाम से, ताकि मैं आपके पास ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस भेज सकूँ। थैंक यू।